हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के 5 बज गए हैं और इस समय हूँ मैं दिल्ली नितिन भाई के घर। तो हमने रूम खुलवा रहे हैं। ये मेरे पीछे बैक साइड में फ्लाई ओवर है ऊपर। अरे कितना, ये फ्लाई ओवर ही हुआ। तो हम पहुँच गए। तो अब जा रहा हूँ नीचे रूम में, क्योंकि मुझे कहीं डी लोग के वहाँ जाना है। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगा। ये हाथ में बैग, पीछे ही बैग ही बैग, सब कुछ सामान ही सामान है। नितिन भाई के रूम में जा रहे हैं हम। अब खोल रहे हैं अपना रूम। लाइट वाइट ऑफ है, वाह। तो लाइट जलाती इन गए, यही वहाँ से सोफे ऊपर रखे। ये बैग हो गए हमारे, ये तोला, ये झोला, घर का सारा सामान। रूम में एंट्री। ओहो, दो दो बेड लगे हुए हैं तो दोनों ने। गुड। तो हम दोनों पहुँच चुके हैं रूम में। दिल्ली कौन सी जगह है नितिन भाई? दिल्ली उत्तम नगर। तरुण उत्तम नगर की हालत खराब है इस समय बहुत ज्यादा, क्योंकि सोते हुए आए हैं पूरी गाड़ी में। बस में सोते हुए आए हम लोग, सीधे पहुंच गए घर में। ये पुजारी आदमी अच्छा है, पूजा वूजा करते हैं। इन्होंने भगवान भी रखे हुए हैं। गुड। तो तैयार हो चुका हूँ मैं, रेडी हो गया हूँ। नितिन भाई भी हमारे सोए हुए हैं। तो अभी ओला बुक कर दिए मेरे लिए। तो मैंने अपना सामान वामान सब निकाल दिया। भैया हमारे सोए हुए हैं। तो ठीक है, ओला बुक कर रहे हैं मेरे लिए। भैया ये मेरा सामान, ये दिल्ली के से सामान लेके जाना है। ये सामान, ये मेरा बैग पैक्ड है। तो अब हो गया, हम रेडी है, फटाफट निकलते हैं। क्योंकि मुझे जाना है, पता नहीं कौन सी मिलन उत्तम विहार कौन सी गली है, तो वहाँ जाना है। उसके बाद सीधे वहीं जाके मिलता हूँ दीदी लोग के वहाँ पे जाने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 बजे तक मेरे पास पहुँच जाना। भैया भी उठ गए हमारे। भैया अभी रेडी, सोते बहुत हैं भैया हमारे, बस और कुछ नहीं। दिल्ली मैंने कर लिया है ओला को। ओला नहीं जा रहा, कैब ले लिए। रास्ते में हूँ कैब बाइक से। तो यह है फ्लाई ओवर, दिल्ली की बस है, दिल्ली की परिवहन निगम बस है, छोटी छोटी। दिल्ली के हाईवे में फ्लाई ओवर पर आ जा रहा हूँ। पहुंच चुका मैं अब दीदी के वहाँ। पता है तो चाय वाली के लिए कह रहे थे ये चाय वाय पीने के लिए। चाय वाय तो पीता नहीं हो कुछ। मैंने कहा क्या खाऊँ, यहीं बैठ गया हूँ। अभी कपड़े भी गंदे हो गए मेरे, उसमें मिठाई विठाई गिर गई। देखते हैं कहाँ जा, अभी जाना है कहीं, कह रहे थे 10 बजे जाना है। क्या होता है कुछ पता नहीं। तो मेरा आ गया नाश्ता। तो मेरा आज ना ये रास्ता दिल्ली में ही हो रहा है। ये आ गया अमूल का बैटर, ये पराठे, ये आ गया अचार। घर केचप भी लिया मैंने, कहा नहीं मना कर दिया, केचप नहीं खाने का। तो अब मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली के पेट्रोल पम्प में। तो जी हाँ, गाड़ी में अभी CNG डलवा रहे हैं। तो अभी यहीं पर ही, अभी क्योंकि हम कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तेल नहीं तो CNG डलवा लेते हैं। दी लोग भी गाड़ी के पीछे ही खड़ी हुई हैं, क्योंकि CNG जब डलवाते हैं तो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। मैंने तो कभी डलवाई नहीं, पहली बार CNG का पंप देख रहा हूँ और पहली बार ही गाड़ी में CNG डलवा रहा हूँ। तो लगे पड़े हैं CNG डालने में, नए पंप में लगे हैं। तो ये भर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम सीधे पता नहीं कौन सी जगह। मुझे तो पता भी नहीं जाना कहाँ है। तो शाम के बज गए 3:30। अब घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि बस मेरी है वही 9-10 बजे की। क्योंकि 10 बजे मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ इस समय। ये पीछे का नज़ारा देखिए, लोडिंग। अभी मकान वकान बनने आ रहता है, ऐसे स्टॉक रोक आई थिंक। तो घर बन रहे हैं अभी यहाँ पे। कहीं जा ही नहीं पाया कहीं। मैंने कहाँ जाऊँ, कैसे ब्लॉग शूट करूँ कहीं पे। और जहाँ मुझे जाना था मैंने सोचा वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ ब्लॉग बना ही नहीं पाया क्योंकि बहुत लोग थे घर की, फैमिलीज वगैरह थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब वहाँ पर कर नहीं पाया क्योंकि सब लोग नए नए लोग थे। मतलब घर के लोग, मैं ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं, फैमिली टच में ज़्यादा रहता नहीं हूँ। तो उनके साथ ही बस बार मिला, तो सब लोग बड़े बड़े ही लोग ही थे बहुत ही। तो वहाँ पे ब्लॉग शूट किया नहीं मैंने कुछ। तो अभी घर में आया हूँ, सुबह से गया था उनके पास। जब गया था वहाँ से तो अब सीधे घर ही आया हूँ। तो वही 3 बज चुके हैं। अब क्या करना है, अब बस उसके लिए बुक कर दी है। अब ओला बुक करूँगा यहाँ से, ओला से सीधे कश्मीरी गेट से गाड़ी है मेरी। तो अब चलते हैं
देखते हैं क्या अब कहाँ जाना है क्या नहीं है। खाना आना भी खा ही लिया है। तो गाइस मैं घूमते घूमते तो यहाँ को आ गया था, यहीं दिल्ली में ही था। तो शाम के मैंने थोड़ा सोचा कि शाम के 5 बज गए तो थोड़ा घूम आता हूँ, तो घूमने निकला। अब मैं भूल गया हूँ एड्रेस कि मुझे मैं जाना कहाँ था, और मैंने अपनी लोकेशन डाली। अब घर में वहाँ पर कॉल कर रहा हूँ तो फ़ोन कोई उठा नहीं रहे। अब मैं भूल गया हूँ एड्रेस, मैंने कहा क्या करूँ। अब देखता हूँ कि कोई फ़ोन उठाता तो लोकेशन मंगानी पड़ेगी, तभी जा पाऊँगा। कि पता नहीं कौन सी रोड में घूमते घामते कौन सी गली में आ गया, मेरे पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा तिरंगा आपको दिखाता हूँ, तिरंगा कितना बड़ा है यहाँ पे। एक तो झंडा, ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा, और ऊपर लाइट लाइट भी लगी हुई है, देखो बहुत ही बड़ा है ये। अब इसी के सामने जस्ट खड़ा हूँ मैं। अब घर कॉल करनी पड़ेगी कि यहाँ पे झंडा है, एड्रेस फिर मैं वो भेजना पड़ेगा, तो फ़ोन उठा नहीं रहे। तो अब भैया को लग गई है कॉल, उन्होंने लोकेशन भेज दी है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और मेरे पीछे बैक साइड में ये है घर, खेत, खेती भी हो रही है यहाँ पे। तो पीछे खेती भी हो रही है और पीछे को जंगल भी है, पता नहीं क्या होता। और खेत में पता नहीं क्या हो रहा है, सफ़ेद सफ़ेद फूल जैसे। तो पीछे को बहुत कूड़ा भी इधर बहुत है, कितना गंदगी भी बहुत हो रही है। कितनी साइड में देखा कि गंदगी का, और गायें तो बहुत बड़ी बड़ी भी। और वो पीछे को दिख रहा हो जो जंगल जैसा, वो बहुत घना जंगल, पीछे तो पता नहीं कहाँ था गया वो जंगल। और इसी के बीच में खेत जैसे भी हैं। तो उन्होंने भैया ने बोल दिया, मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैं आपको जहाँ पे आप हो मुझे लोकेशन भेज दो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो मुझे यहीं पर ही लेने आ रहे हैं। अब देखता हूँ कितनी देर लगती है, 15 मिनट तो हो गए मुझे उन्हें कॉल करे हुए। इससे बड़े अपना हल्द्वानी है यार, हम हल्द्वानी किसी भी कोने में चले जाऊँ रात के 2 बजे, कहीं भी छोड़ दो, हम आ तो जा सकते हैं। क्योंकि बचपन से हर एक गली घूमे हुए हैं, अपनी जगह अपना गढ़ अच्छा बहुत है। मतलब उत्तराखंड में कहीं भी, मतलब पहाड़ के क्षेत्र में कहीं भी छोड़ दो, हम अपने घर आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ का एक एक छप्पा छप्पा पता होता है हमें क्या क्या है करके। और दिल्ली, अरे एक गली में जाओ दूसरी गली में कहाँ पार हो जाने, और अभी कहाँ से कहाँ निकले पता ही नहीं चल रहा। मतलब थोड़ी सी आगे निकल जाओ तो अपना घर भूल जा रहा हूँ, अब पता नहीं क्या होता है यहाँ पे। अपने उत्तराखंड में हम कहीं भी चले जाए अभी कभी गली नहीं भूलूँगा, क्योंकि बचपन से वहाँ रहे हैं। कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाए, मतलब बहुत उत्तराखंड तो आपको पता है काफ़ी बड़ा ही है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की पूरी नॉलेज है हमें, कहाँ पे क्या है। रात में भी चले जाएँ, दिन में भी कहीं भी चले जाएँ, तो वापस आ ही जाएंगे हम अपने घर। तो भैया को आने में तो लग रही है अभी देर, तो मैंने सोचा जब तक मैं अपनी डाइट ले लेता हूँ, अंडे वगैरह ले लेवा लेता हूँ। तो अंकल के वहाँ से अभी अंडे ले रहा हूँ, तो पहले खा लेता हूँ अंडे। तो क्यों डाइट लेनी ज़रूरी है, कहीं भी जाओ अपनी डाइट पूरी ले लेता हूँ। तो अंकल अंडे लगा रहे, मिले अंडे छील रहे। तो अपने रोज़ की अभी आजकल ही डाइट, क्योंकि फिर बीच बीच में डाइट छूट जाती है, तो फिर खाने में डाइट में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एक्सरसाइज छूट जाए कोई बात नहीं, अपनी डाइट हम पूरी ले लेते हैं। और चिल्ले अंकल हमारे अंडे, तो खा लिए अब अंडे। तो अब पता नहीं कब आते हैं भाई भैया। तो मैंने सोचा पैदल पैदल जिस वे पे मैं आया उस वे पे पैदल पैदल चलते रहता हूँ, कहीं रास्ते में दिख जाएंगे। क्योंकि हल्का हल्का अनुमान तो है कि मैं जिस रोड पर आऊँ तो वहीं से पैक ले लेता हूँ, और धीरे धीरे आगे जाता हूँ। बस गली गली भूल गया, क्योंकि गली कौन सी चली थी, दिल्ली की भी रोड है आने क्या है की चार है। गंदगी तो बहुत जगह है, कौन सी जगह था मैं। ओह आ जा ऊपर, आ जा ऊपर, आ जा ऊपर, आ जा खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, चलिए खड़े हो, खड़े हो। ओह ओह नो नो ओह ना 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 ओह वेरी गुड। ओह बाप रे, गार्ड मत देना भाई, नीचे 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 नीचे। उठ जा, आ जा खड़े हो, हर जगह तिरंगे तिरंगे तरीके की तरह ऑफिस। भाई बस स्टैंड पहुंच चुका हूँ, मेरी गाड़ी मिल नहीं रही है, ऑटो मैंने खड़ा कर रखा है। जिस ऑटो में मैं आया पहले ओला बुक करी तो गाड़ी मिली नहीं। भाई बस स्टैंड में हूँ, चारों तरफ बस है, और मेरी फास्ट ट्रैक की बस है। फास्ट ट्रैक पता नहीं कहाँ पे खड़ी है, और जो मेरी गाड़ी वाला है उसने मुझसे कहा था कि 8:30 बजे पहुँच जाना, 8:45 को है। पता नहीं मुझे गाड़ी मिलती नहीं मिलती है, मिस हो गया है। मैं सारी पेमेंट भी कर चुका हूँ उनसे, अब पेमेंट वापस होगी नहीं होगी पता नहीं क्या है। मैंने कॉल करके किसी मुझे नंबर दिया तो उन्होंने कहा यहीं पर ही चारों तरफ मेरे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। अब इतनी गाड़ियों के बीच में कहाँ ढूंढूँ मैं उसे, और मेरा टाइम भी आउट हो चुका है। तो ढूंढता हूँ, अभी देखता हूँ कहाँ हूँ, भाग रहा हूँ। उतनी देर बहुत देर हो गई मुझे भागते भागते, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गई, क्योंकि रोड पूरा जाम था, पूरा जाम।
तो फाइनली गाइस मेरी गाड़ी मिल चुकी है मुझे, मैं बैठ गया अपनी सीट में, मेरा मेरा केबिन मुझे मिल गया, स्लीपर कोच था लेकिन बहुत कंजेस्टेड है, बहुत छोटी सी जगह मिली है सिंगल में। कल हम दो जने आए थे तो हमको बहुत मतलब स्पेस अच्छा था, दोनों खुल के आराम से लेट के स्लीपर, इसमें तो अकेले लेट के लिए जगह नहीं हो रही है, फास्ट ट्रैक है और कल दूसरी बस थी। तो अब दिखा पूरी बस, मैं इतना थक गया, मैंने कहा मेरी बस मिस हो गई, अब मैं कैसे जाऊँगा, टाइम भी ओवर हो गया, तो मेरे टाइम मैंने पेमेंट भी कर दी थी तब भी। अब दिखाता हूँ मैं आपको ये गाड़ी कैसी है, कहाँ पर है ये गाड़ी का। मैंने कहा मुझे लोअर दे दो, मुझे ऊपर बैठने में दिक्कत हो रही, इतना छोटा सा केबिन है, इससे छोटे से केबिन में ये इतनी जगह मैं कैसे घुसूँगा, मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के चढ़ गया हूँ मैं ऊपर। लेकिन ये पूरी बस है, कोई लोग अंदर बाहर, कोई इधर बाहर कर रहे हैं, कोई उधर बाहर दरबारी करने में लगे हैं। तो लेकिन मैं बैठ गया, मैंने कहा खाना वाना रास्ते में कहीं पर भी देख लूँगा, अभी कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। बैग एक भी आ चुका है मेरा, ये रहा मेरा बैग, बैग लेके कभी इधर भागना पड़ा इधर भागना पड़ा, बहुत परेशान हो गया था। तो अब मैं जिस काम से आया था फाइनली मेरा वो काम भी हो चुका है, तो अब मुझे निकलना है यहाँ, अब क्योंकि घर हल्द्वानी में भी मेरा काम है तो मुझे टाइम से निकलना है। मैंने कहा सुबह टाइम से पहुँच जाऊँगा तो कल से अपने काम की स्टार्टिंग कर सकूँगा। तो अब चलते हैं, अब रास्ते में कुछ खाना आना तो घर में दी लोगों ने कहा था कि यहीं से खाना खा के जा, मैंने कहा इतनी जल्दी मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं अब रास्ते में से कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ भी ले लूँगा, अब देखता हूँ जो भूख लगेगी जैसा ही मन करेगा। तो स्लीपर कोच जो मुझे ये भी मिला है, तकिया कम्बल दोनों चीज़ अच्छे मिले हैं, तो मैं थक गया हूँ, मैंने कहा सो जाता हूँ क्योंकि कल भी सफर में आधे में सोया, तो फिर उनके साथ में नितिन भाई के साथ ही था, तो गप मारते हुए आए हम लोग, बातें भी चीत करते हुए आए, तो हमें ज़्यादा वो तो हुआ नहीं, ज़्यादा नींद आई नहीं। फिर उसके बाद हम उठी गए तो ऐसी बात करते करते अब नींद आ रही है, दिन भर उठे रहना, कल भी रात भर उठे रहना, दिन भर काम, सो नींद भी आ रही है। तो सोचता हूँ देखता हूँ एक नींद निकाल लेता हूँ, फिर रास्ते में कहीं गाड़ी रुकेगी तो खाना खा लेंगे। तो हमारी गाड़ी चल रही है, ये रहा दिल्ली का नज़ारा, कौन सी जगह है, सारा दिलसाद गार्डन, दिलसाद गार्डन होते हुए, ट्रैफिक तो बहुत है, चलो अभी तो खाली है रोड, उस टाइम था जब मैं आ रहा था।